हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक स्पेकर और ब्रश और रोलर में से तीनों में से कौन सा अच्छा काम करता है वॉल पर डायरेक्ट पेंट करने के लिए, तो उसी हिसाब से ये एक और क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक स्पेकर है और हमारी ये HVLP स्पेकर है, तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा, तो आज की वीडियो में हम यही ट्राई करने वाले हैं। और इसे हम इसके अंदर ब्लैक कलर डाल के आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो, उन्हें व्हाइट शीट लगाई है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला है कि दोनों में से कौन सा अच्छा रिजल्ट और फिनिश देता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते है। दोस्तों यहाँ पर हमने तारा लेक कंपनी का, आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्लैक मैट कलर लिया है ताकि ये व्हाइट वॉल पर अच्छे से हम सब दिखा सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये गन है उसके अंदर 200 ml जितना कलर डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके मार्किंग भी है, तो अभी हम 200 ml जितना इसके अंदर डाल देते हैं। और सेम इसमें भी उसी तरह की मार्किंग है, तो इसमें भी हम 200 ml जितना डाल देंगे। इसकी मार्किंग मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, आप दोस्तों देख सकते हो गए, इसके अंदर इसकी मार्किंग वगैरह लिखा हुआ है, ये रहा दोस्तों। तो अब दोनों में मैंने कलर डाल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक डाला है और इसके अंदर भी ब्लैक डाला है। तो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इलेक्ट्रिक स्पेगन को हम अच्छे से लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ये वाली गन है वो एयर से चलने वाली, यानी कि कॉम्प्रेसर वगैरह चाहिए, और ये गन में डायरेक्ट हम प्लग लगा के इलेक्ट्रिक बोर्ड से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कॉम्प्रेसर तो हमने चालू कर दिया, इसके अंदर एयर चालू हो गई है। अब इसे हम हमारा जो बोर्ड है उसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये बोर्ड ला के रखा है और इसके अंदर सिर्फ हमें ये गन अगर आप यूज कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है, ऐसे प्लग ही डाल देना है और हमारी गन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर एक बटन है ऑन ऑफ का, वो दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद हम लोग को और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये फिगर दिख रही है ना, ये फिगर को दबाना है और हमारा कलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसके ऊपर हम स्टार्ट कर दे, इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों की तरफ हम अच्छे से देखें कि कौन सा अच्छा रिजल्ट है। तो उसके लिए हम मास्किंग कैप यूज करके बीच में से एक लाइन अच्छे से खींच लेते हैं। पहले ये हमने मास्किंग कैप ले ली है और यहाँ से एग्जैक्ट हमें लग रहा है अंदाजे से ये लाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे दोनों गन में रेडी हो चुकी है कलर करने के लिए। तो सबसे पहले हम HVLP स्प्रे गन से करके देखते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक स्प्रे गन से करके देखेंगे। इस तरह हम करते हैं वो HVLP स्प्रे गन से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गन है उसकी एयर भी कंट्रोल करनी होती है ना, क्योंकि डायरेक्ट करने जाएगा तो बहुत ज्यादा निकलने लगती है। और दोस्तों मैं गन करते करते आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसका शोर होगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए सबसे पहले मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, आप वो देख के समझ जाओगे इस तरह से। ये बॉक्स बना लेते हैं ताकि इसके बाहर हमारा जाए नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इस तरफ तो इसे अच्छे से कर दिए। और वैसे ही मैं आपको ये बात और बताना भूल गया था, इसके अंदर हमने ब्लैक कलर डाला है पर ब्लैक मैट डाला है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है और हमें फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमें सूखने में टाइम लगा था, इसलिए मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अभी सूखने भी लगा है। अब हम इसे छोड़ के जो हमारी इलेक्ट्रिक स्पेकर है उससे मदद से करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी सेम वही है, हमें इसे यहाँ से ओपन कर लेना है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक स्पेकर यूज करके भी यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया है। अभी हम 5-10 मिनट ऐसे ही इसे ड्राई होने देंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। वैसे मैं अभी आपको दिखा दूं तो जो हमारी HPLP स्प्रेगन से किया था वहां तो सूखने भी लगा है। यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक स्प्रेगन HPLP गन से पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्मूथ फिनिश आता है। इसके अंदर थोड़े कलर ज्यादा निकलते हैं, बबल्स जैसे निकलते हैं, यानी कि थोड़ी मोटी दानी पड़ती है, उसके अंदर एकदम स्मूथ पड़ती है जैसे कि हमने पॉलिश वगैरह करते हैं। तो और इससे ये तो पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक स्प्रेगन हमें ऐसे काम पे यूज करनी चाहिए जैसे कि मेटल पर पेंट करना है, एक नॉर्मल पेंट करना है, वैसे कंडीशन में आपको एक्सट्रीमली फिनिश चाहिए तो HPLP स्प्रेगन ही यूज करना है। अभी मैं आपको नजदीक से भी दिखा देता हूँ दोनों का फिनिशिंग किस तरह से और आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पार्ट है पूरा अच्छे से कितनी फिनिशिंग के साथ, कहीं पे भी कुछ ड्रिप नहीं हुआ है और अच्छे से ये फिनिशिंग हो चुका है। उसके एग्जैक्ट बाजू में ये वाला हमारा था वो इलेक्ट्रिक स्प्रेगन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जगह पर ये वाले पार्ट यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा ड्रिप हुआ है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कलर लग रहा है, मतलब अभी सूखा नहीं है पर ऐसा ही दिख रहा है कि थोड़ा इससे तो कम ही फिनिशिंग मिला है। इस तरह से पूरा फिनिशिंग हुआ है तो हमारा रिजल्ट साफ साफ है। हमें HPLP स्प्रेगन फिनिशिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए, नॉर्मल काम के लिए आप इलेक्ट्रिक स्प्रेगन यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये भी बताना कि दोस्तों ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करके आपके साथ शेयर करें क्या ये वर्सेस वाले, यानी कि अभी मैंने आपको जैसा इलेक्ट्रिक स्प्रेगन वर्सेस HPLP स्प्रेगन, ब्रश वर्सेस रोलर, कौन सा अच्छा होता है, कहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए, वो सब आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो मुझे कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो फिर से एक बार कहता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।